नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, याद है आपको? बीते 2017 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन में कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसने अपनी भूमिका निभाई थी? इतना बार कहने से ही आपको समझ आ जा रहा होगा कि बात उत्तर प्रदेश में अपराध की हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें ये तक नहीं बता पाती थी कि हमने सरकार के दौरान, जो हमने सरकार चलाई है अपराध पर काबू पाने के लिए, देखिए क्या क्या किया है। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और अपराधियों के दिन भी प्रदेश में लद गए, क्योंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया था अपराधियों के लिए सूबा अब माकूल नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान आज फेस टू फेस में होने वाले हैं, उनसे परिचय आपका सबसे पहले कराते हैं। संजीव चौधरी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे, अनिल गोयल जी बीजेपी से हमारे साथ होंगे। आप दोनों का स्वागत है। आपस में तकरार करें, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपने अपने तर्क रखें, अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं, उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। जो कहा वो करके दिखाया, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति, योगी सरकार में अपराधी पस्त, साल दर साल घटे आपराधिक आंकड़े। कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार तो कहते हैं और ये सिर्फ कहकर निकल जाएंगे, लेकिन जो कहा था उस बात पर अमल भी कर गए योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया। और अपराधी छोड़िए, विपक्षियों के भी कान खड़े हो गए जब यूपी में अपराध के आंकड़े सरकार ने पेश किए। योगी कार्यकाल के अपराध पर लगाम के आंकड़े देखकर यकीन मानिए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस प्रदेश में अपराध के आंकड़े चुनावी मुद्दा होते हैं और सरकार भी अपराधियों की छाती पर चढ़कर बनती है, वहां योगी राज से राम राज की कल्पना की जा सकती है। सरकार ने अगर प्रदेश में सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है तो सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भयमुक्त समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध में भारी कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में साल दर साल अपराध घटा है। साल 2016 में प्रदेश में 4679 हत्याएं हुई, जबकि योगी सरकार में ये घटकर 3294 रह गई। साल 2017 के मुकाबले साल 2019 के अपराधों में कमी आई है। डकैती में 53.7%, लूट में 44.5%, बलवा में 38.1%, हत्या में 14.5%, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 33.06% की कमी आई है। सपा सरकार के कार्यकाल में एक साल में यानी 2016 में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और दहेज मृत्यु के 14,980 मामले दर्ज हुए थे। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पहली जनवरी से लेकर 15 नवंबर 2019 तक 10,064 मामले दर्ज हुए थे। इस तरह सपा सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में करीब 5,000 मामले कम हुए हैं। पिछले 3 साल में प्रदेश में 43 नए थाने बनाए गए, 18 नई चौकियां बनाई गई, 69 नए अग्निशमन केंद्र बनाए गए और लगभग 80,349 नई भर्तियां पुलिस विभाग में की गई। साल 2016 में 4,679, साल 2017 में 4,324, साल 2018 में 4,018 और पहली जनवरी 2019 से लेकर 15 नवंबर 2019 तक प्रदेश में 3,294 हत्याएं हुई। इसी तरह डकैती की घटनाओं में भी कमी आई है। साल 2016 में 263, साल 2017 में 251, साल 2018 में 144 डकैती के मामले सामने आए। अब जब यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है, अपराध के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं
कि आपराधिक घटनाओं में कमी आई है तो विपक्ष को ये आंकड़े रास नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है इतनी लूट मार हत्याएं बढ़ी हैं, जो परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी दे रही है ठीक उसकी डबल हो गई है। कह रहे 53% बढ़े हैं, कम हुई है, कम नहीं हुई है, 53% बढ़ी है घटनाएं लूट मार की, डकैती की, चोरी की। आदमी महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं, महिलाएं घर से निकलना बंद कर दिया महिलाओं ने, और सुबह उठो तो पता चला कोई किसी को दिन दहाड़े मार दे रहा है, कोई किसी को दिन दहाड़े जला दे रहा है, पीट पीट के मार डाला जा रहा है, कितनी घटनाएं गिना दें। ऐसा नहीं कि विपक्ष अपना काम नहीं करता, विरोध के जरिए विपक्षी आंकड़ों को झुटला रहे हैं। वैसे पिछली सरकारों में अपराध के आंकड़े क्या निकल कर आते थे ये पूरा सूबा जानता है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं ये कहा जाता था, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों में परिवर्तन देखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि योगी के कार्यकाल में साल दर साल अपराध के मामले घट रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी से अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहा हूं अनिल जी, क्या ऐसी खूबी सरकार में है, वो ऐसा मंत्र कौन सा है? ना मायावती जी कर पाई, ना अखिलेश यादव कर पाए, लेकिन योगी जी कर रहे हैं। क्या अंतर देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं आप? पंकज जी, एक तो इच्छा शक्ति का औरों में अभाव है, और हमारे मुख्य योगी जी में इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। और निश्चित तौर पर कोई भी कितने से बड़े से बड़ा होगा, अगर वो अपराध में शामिल होगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। और अपराधी के मन में ये अपराधी के मन में डर बैठ जाए, अपराधी के मन में ये डर बैठ जाए, उससे ऑटोमेटिक अपराध कम होता है। आपके कहने से थोड़ी हो जाएंगे कम? ये तो आप छोड़ो, आप तो अगर आप अगर अपनी बात करेंगे तो आप ये बात कर, आपका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं रेप के कांड में कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, आप तो बढ़ावा देने वाले हो। मुलायम सिंह यादव जी अगर ये कहें कि रेप कांड में होने वालों पर ये बच्चों से गलतियां हो जाती है, रेप को बढ़ावा देने वाले, रेप को सर्वोच्च व्यवस्था है वो कह रही है कि लूट ज्यादा हो रही है, हत्याएं ज्यादा हो रही है, बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं। आपके टाइम में प्रदेश की कानून व्यवस्था चलती है, गोलियां चलती हैं, कानून व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से खराब किया है। सुप्रीम कोर्ट तो आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, मुझे ये बताओ आपके प्रदेश के अंदर जंगल राज है, समाजवादी पार्टी में कितने मरते हैं? आज हमने पुलिस को भर्ती कराया, आप बताइए आपकी सरकार, आज हमने पुलिस को भर्ती कराया, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते? आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शक्ति हमने दिखाई है, जनता पार्टी रिकॉर्ड को कोई झूठ बोल सकता? कोई नहीं ठुकरा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज, आप इनकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, आप हकीकत पाओ, सुप्रीम हकीकत नहीं है, अरे सुप्रीम कोर्ट हकीकत नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट हकीकत नहीं है क्या? या तो आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अगर मानते हैं तो स्वीकार कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, हत्याएं, डकैती, बलात्कार, आम जनमानस का बुरा हाल है, भी उपद्रवी लोग हैं, आप सरकार में भी आए थे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए थे कि आप रोजगार देंगे, आप उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए आए थे कि आप महिलाओं की सुरक्षा देंगे, किसानों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप किसानों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं, छात्रों को पिटाई करवा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट, डकैती, पूरे प्रदेश के अंदर बेहाल हुआ। मैं नहीं कह रहा, याद आ रही है, सुप्रीम आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपको अरे आप सुप्रीम कोर्ट को भी टुकड़ा, अगर आपकी कानून व्यवस्था ठीक होती पब्लिक आपको सत्ता में देती, हमारे काल में बहन बेटियां सुरक्षित थी, आपके काल में सुरक्षित जब आपको बलात्कार हो रहा है, आपके विधायक आपको हटाया, आपके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, आपके विधायक हमने सजा दी है, आपके आपने विधायक बलात्कार कर रहे हैं, क्या सजा दी है आप अपने गायक क्या सजा दी है आप, हमने उनको सजा दी सुविधा आपने विधायकों को सजा दी है, बड़े से बड़ा आदमी जो बलात्कारी है विधायक आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको आपने वीआईपी ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आप उनको बढ़ावा मिलता है, कम से कम उनको शरण देते हैं, जनता पार्टी के लोगों को मदद करते हैं। इतनी तो कहना चाहनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ही आपको डांट रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको टोक रहा है, तो हम समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आप गलत कैसे आए थे आप? हम जो आपने कहा था हम शिक्षा अच्छी देंगे, आपने कहा था हम रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? बताइए आप अपने बारे में बताइए, हमारी छोड़िए, जनता ने तो हमारी छोड़िए, आपने जनता के सामने कहा था बेवकूफ बनाया था, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया,
हम काम कर रहे थे, आप धर्म पर बांट रहे थे, हम काम कर रहे थे, आप धर्म पर बांट रहे थे, हम नहीं बांटते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबके सबको साथ लेके चलते हैं। कभी मायावती के साथ चलते हो, आप कभी कांग्रेस के साथ चलते हो, ऐसे तो आपका महाराष्ट्र में क्या हाल है? तुम कभी मायावती के चाहिए, आप बताइए। यूपी की बात करें, आप महाराष्ट्र में चर्चा है, महाराष्ट्र में चर्चा है, कंधे पे बैठा के चल रहे थे। अरे क्यों उतार दिया? किसने उतार दिया? आपको सरकार चाहिए, आपको किसी भी हाल में किसी की हत्या हो, कोई मरे, किसी के साथ बलात्कार हो, कोई गिरे, कोई मतलब नहीं है। कैसी बात? आपको सरकार चाहिए, बीजेपी नहीं है, आपको बता दूं सुशासन नहीं है, ये अच्छा राजीव चौधरी जी की जनता, संजीव चौधरी वाली जनता चाहते हैं, ये बोली वाली संजीव चौधरी जी है, आपके दोहरे चरित्र को जान चुकी है। संजीव चौधरी जी, एक सवाल है, एक सवाल है सर, एक सवाल है। सवाल ये है कि अभी बात हो रही है ना कि सपा बसपा और बीजेपी, कांग्रेस को तो तकरीबन 30-32 साल हो गए उत्तर प्रदेश में राज न किए, बाहर हुए उत्तर प्रदेश से। एक नारा कभी दिया गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और 2017 के विधानसभा चुनाव में, मतलब ये अपराध से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था, उन्हीं के साथ गठबंधन हुआ, बगलगीर बने, हालांकि चुनाव को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। एक सवाल तो ये, दूसरा ये कि जो सरकार आंकड़ा पेश करती है, क्या वो आंकड़ा गलत होता है? आपकी सरकारों ने भी किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज का जो माहौल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश का जो माहौल चल रहा है वो बिल्कुल भय मुक्त माहौल है। ये भय बढ़ा हुआ है, ये उत्तर, देखिए ये कहते हैं भय मुक्त है, लेकिन भय भी थे लोग, भय मुक्त नहीं है। आप कहते हो भय मुक्त है, लेकिन ये भय भीत है। यहाँ के उत्तर प्रदेश में अब यहाँ के रोजगार जितने भी उद्योगपति है वो यहाँ से, सुनिए, उद्योगपति यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप कहते हैं भय मुक्त है, लेकिन भय युक्त है। ये मैं युक्त बोल रहा हूँ, मुक्त नहीं बोल रहा। आप भय मुक्त है इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ जो हमारे नौजवान है उनको आप रोजगार देने में सफल नहीं हो पाए, चिकित्सा में आपने कोई काम नहीं किया, आपने काम क्या किया? हमने नए थाने खोले, हमारे आपने थाने खोले, सुनिए, पुलिस की भर्ती करी, आपने कितने पुलिस की भर्ती करी, आपने कितने महिला भर्ती करी? महिलाओं का थाना ही हमारे नेता आप मुलायम सिंह यादव जी ने दिया पहला थाना मेरठ के अंदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे आपके, उनके आपके उन्होंने दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? थाने पर महिला थाने किसने दिया? आप पुलिस की व्यवस्था किसने की? आप कहते बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पुलिस की बलात्कार को सही मानते हैं, जिला प्रणाली की जो व्यवस्था थी समर्थन करते हैं, पुलिस की जिला बलात्कार का समर्थन करते हैं, आपने मुलायम सिंह यादव ने समर्थन करा, आप इसका जवाब दो, आप इसका जवाब दो, ये पुलिस ही आपको भगाएगी इस उत्तर प्रदेश से, आप इसका जवाब दो, आप इस पुलिस को ही मरवा रहे हैं, आपके बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, सबोध की हत्या कर देते हैं, आप उनके गले में माला डालते हैं, आप बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आपको ये बात आप कह रहे हो, इंस्पेक्टर सबोध की आप कौन थे? बोलो कौन थे? बोलो आपने कहीं ना बच्चों से बोलो कौन थे? बलात्कारियों को माफ किया जाए, बलात्कारों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा? ये मुलायम सिंह यादव ने कहा, निर्दोष लोगों पर गोलियां किसने चलाई? मुलायम सिंह यादव ने चलाई? आप बताइए, ये आंकड़े बिल्कुल झूठे हैं आपके, झूठे हैं। मैं चैलेंज करता हूं इन आंकड़ों को, आपके आंकड़े झूठे हैं। आप लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई आदमी समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जा सकती थी? बताइए, नहीं जा सकती, बताइए, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थी? कितने उद्योग लगाए आपने? एक उद्योग का नाम बताइए। ये आदमी थाने में जाकर डरता था, आज थाने में जाकर आदमी जाता है, आप ये बताइए, साथ रिपोर्ट लिखवाता है, ये बताइए, आपके टाइम में लोग थाने में कितने उद्योग लगाए आपने? कितने उद्योग लगाए? कितने कॉलेजेस खोले? बल्कि आप कॉलेज बंद करने की बात करते हैं, आप साजिश के तहत अपनी बात करें, कॉलेजों को बंद करने की बात कर रहे हैं, आपको सराहनीय कोई कॉलेज बंद नहीं कर रहे, कॉलेज को लाखों करोड़ों और सालों साल लग जाते हैं उस कॉलेज को बंद करने की बात करते हैं। आप अपनी बात करें, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के अंदर सरकार है, आपने कितने थाने खोले, आपने कितनी चौकी खोली, जनता आपने कितने पुलिस वालों को भर्ती करा, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपने कुछ करा नहीं? ऐसी थोड़ी बोल रही है सर्वोच्च न्यायालय का छोड़े, सवाल इसका नहीं है, सवाल छोड़ रहे, आज स्थिति देखो क्या स्थिति है, स्थिति सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल नहीं है, अभी तो आज सर्वोच्च न्यायालय का क्या मतलब, आप जमीन में जमीन अंदर है, आपके टाइम में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? आपके मैनोमेंटो में आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आपके हम रोजगार देंगे, आपने कहा था, आपने बेरोजगार कर दिए, हम रोजगार दे रहे हैं, साल तीन साल आपने लोगों को बेरोजगार करा, आपके ने किसानों की हत्या करवाई, ये सब काम हम कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं, दो सौ विधायक इस बात को आपके 200 विधायक आपके खिलाफ क्यों धरने पे बैठे? हमारे पास कोई
दीजिए। अरे आप, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ये कर, मुझे एक बात का जवाब, आप ये बताइए, जनता ने, अगर आपने अच्छा काम करा, जनता ने क्यों ठुकराया? अगर आप, तुम्हें जनता ने क्यों ठुकराया? आप अच्छा, आपको जनता ने क्यों ठुकराया? सुनिए, आपने को जनता को क्यों ठुकराया बताओ? सुनो, मैं जवाब, हम विकास कर रहे थे, आप धर्म पर बांट रहे थे। आप विकास कर रहे थे, बात करते थे, हम रोजगार की बात करते थे, दुनिया ठंड में मर रही थी, किसानों की बात करते थे, दुनिया ठंड में मर रही थी, धर्म पे लगे रहे, दुनिया ठंड में मर रही थी, गुंडे एयर कंडीशन बैठ के ऐश उड़ा रहे थे, आप ऐश उड़ा रहे थे, वो कारण आपको, आप लोगों को शर्म नहीं है? निश्चित तौर पर यूपी की जनता की चिंता ना करके आपने सिर्फ और सिर्फ, अब तो बाबूजी कम से कम शर्म करो, ये पूरा देश जल रहा है, तो आपको करनी है, पूरा देश को जला दिया आपने, और क्या चाहते हो? हम कभी सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम देश के विकास की राजनीति करते हैं, हम देश का विकास चाहते हैं, हम सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे, आप सत्ता की राजनीति कर रहे हो, आप सत्ता की राजनीति में, चाहे कांग्रेस में हम जोड़ने को तैयार हो, बीएसपी में हम जोड़ने को तैयार है, एबीसीडी कोई मिले हम जोड़ने को तैयार है, हमें हर सूरत में सत्ता चाहिए, आप हर सूरत में सत्ता चाहते हैं, और किसी भी तरीके से सत्ता है, झूठ बोल का है, सच बोल का है, बेईमानी का है, जवाब तो दे दीजिए, जवाब किस बात, जवाब दीजिए, बोलो बोलो किस बात, जवाब, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 200 विधायक आपकी गलत नीतियों की, आपकी नाकामियों के खिलाफ संसद विधानसभा के में धरने पर बैठ गए, या तो पूरी बात सुन लीजिए, पूरा कोशिश सुन लीजिए, बोलो बोलो, अगर वो गलत थे तो उनको पार्टी से बाहर करा जाना चाहिए था, 200 विधायक अपनी ही पार्टी के, पहले इतिहास में पहली दफे ऐसा हुआ कि जो 200 विधायक धरने पे बैठे हो, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, सुधीर जी आप बताइए, आप सुनते मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मैं सुन लो ना, क्यों थे, या उनको पार्टी से बाहर करिए, सुधीर जी हमारे लोकतंत्र है, हमारे तानाशाही नहीं है, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हमारे परिवारवाद नहीं है, जो मुलायम जो साथ के मुकदमे लगा देते हैं, परिवारवाद आपकी बात, आपके खिलाफ नीतियों के खिलाफ, हम परिवारवादी नहीं है, आपकी हमारे लोग के खिलाफ यदि कोई अपनी बात का प्रदर्शन करेगा तो आप 307 लगा देंगे, एक नहीं मैं प्रूफ दे दूंगा, अभी चैनल के माध्यम से प्रूफ, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, 307 लगाई आपने, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, आपने कितनी 307 लगाई, तो मुलायम सिंह बने हैं, 307 तो बने हैं, मुलायम सिंह यादव बने हैं, हमारे वोट पार्टी नहीं है, हमारे तो यदि जो जनता के बीच कोई छात्र अपनी आवाज उठाएगा, जनता के बीच अपनी चिकित्सा की बात करेगा, सबकी बात रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, हम 307 लगा देंगे, आप ये कहां कहने आए, आप बताइए, नहीं सुनी जाती, कहां कहने आए, नहीं जा रही, आपके नहीं सुनी, ये आप अपनी चीज याद करें, आपके हमारे यहाँ ऐसा क्या मजबूरी है, आपकी क्या मजबूरी है, देश की सेवा करते हैं, मुख्यमंत्री आपको चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या मजबूरी है ऐसी, ये हमारी नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है, तो आप अपने बारे में कहां से कौन लोग चला रहे हैं, कभी आप बीएसपी से मिलोगे, कभी कांग्रेस से मिलोगे, कभी किसी से मिलोगे, क्यों चला रहे हैं, क्या जब पूर्ण बहुमत आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई हो, उसने तीन मुख्यमंत्री बना सके, चौधरी जी, क्या मजबूरी है, सबको साथ लेकर चलते हैं, हम किसी को छोड़ने नहीं देंगे, सत्ता आगे फेंक दो, संजीव जी, आपके यहाँ जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर, संजीव चौधरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए, बताते थे इस बहस में कोई फायदा ही नहीं आप लोगों का, गंगा जी नहा के आ गए, ये कहां कहने आए, आप बताइए, आप मुझे बताएं, कांग्रेस को गाली आप देते हैं, कांग्रेस साथ समर्थन आप देते हैं, बीएसपी वाली आप देते हैं, बीएसपी समर्थन सरकार थी, आप लेते हैं, विधायक वो साहब, ये सियासी चाल है, तो हर पार्टी चलती है, विधायक आपकी पार्टी में चले गए, वो गंगा जी नहा लिए, मुझे ये जो रैप करते हैं वो गुंडे कैसे नहीं गए, आप बताइए, जो बलात्कार करते हैं उनको आप सही कैसे करते हो, आप उनको ठीक मानते हो, आप कहते हो बच्चों से गलतियां हो जाती है, अरे भैया आपने शर्म करो, सही मायनों में शर्म करो, आपकी पार्टी से शर्म करने का कम तुमने दे, आज जनता ने तुम्हें सांसद तक सुने, आज जनता ने तुम्हें सबक दे दिया, मुझे आज आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है, आपको तो पूरा चैनल देख रहा था, जनता ने आपको देख रहे थे, जनता ने आपको एक लड़की का, अरे शर्म तो जवाब, मुलायम सिंह यादव ये बात कर रहा है, मुलायम सिंह जी ये बात कहते हैं कि बच्चों से बलात्कार के केस पर, बलात्कार के केस पर बच्चों से गलतियां हो जाती है, अच्छा बताओ, जो मुलायम सिंह यादव है उसका समर्थन करोगे, जो मुलायम सिंह यादव जी उसका समर्थन करोगे, जो मुलायम सिंह यादव ने उसका समर्थन कर दिया, आप मुझे बताओ, मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर देंगे आप, उनका समर्थन करोगे, तो उन्होंने कहा बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार के केस पर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, आप इसका समर्थन करते हो क्या, विपक्ष के साथ आप इसके बारे अपने लोगों के साथ क्या, इसका जवाब दो, उसका उत्तर, आप मुलायम सिंह का समर्थन करोगे क्या, मुलायम सिंह मुलायम सिंह ने कहा, अरे मोदी जी समर्थन करते हैं, मेरे सुन तो लो, मोदी जी समर्थन करते हैं उस बयान की, हमारे प्रधानमंत्री जी समर्थन बलात्कार करो, तो आप भी बलात्कार समर्थन कर रहे हो, आप भी बलात्कार समर्थन कर रहे हो, आप बलात्कार समर्थन कर रहे हो, आप इस मंच से बलात्कार समर्थन, आपने कही
अवार्ड किसने दिया? आपने कहा कि बलात्कारियों को बलात्कारियों से बलात्कारी बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कारियों को समर्थन आपने करा, बलात्कारियों समर्थन मुलायम सिंह यादव ने करा, आप क्या आप भी संजीव चौधरी जी आप पूछिएगा एक सवाल मेरा भी ले लीजिए चलते समर्थन संजीव जी जो आंकड़े आ रहे हैं सामने जो मेरे पास है मैं लेकर बैठा हूं ये आंकड़े भी नहीं आने चाहिए। सरकारों को यह तय करना चाहिए कि जो आंकड़े लेकर जिन पर हम बहस करते हैं भैया तेरे उसमें चार मेरे इसमें दो तेरे उसमें पांच मेरे इसमें तीन अपना पीठ तो हम थपथपाते हैं ये भी नहीं होना चाहिए पंकज जी ये भी नहीं होना चाहिए ना। सवाल अपराध जवाब आप दे रहे हैं संजय चौधरी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये समझना चाहता हूँ कि आंकड़ों में गिरावट आ रही है हमें साथ खड़े होना चाहिए या हमें उस पर सवाल करने चाहिए? नहीं जी आंकड़े फर्जी हैं। देखिए आंकड़े कुछ आपके पास सही आंकड़े हैं तो आप पेश कीजिए। देखिए बिल्कुल सही आंकड़े भी आ जाएंगे। हाँ नहीं आप पेश कीजिए ना सर। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लूट हत्याएं डकैती बलात्कार बहन बेटियों को उठा करके बलात्कार ये बढ़ा है गिराफ ये कहने से ये कहना नहीं है। आप इसके आंकड़े दो मुझे बोलने तो दीजिए आप जब ही तो बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ये हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था या तो आप चैलेंज कीजिए या तो आप चैलेंज कीजिए। देश की सर्वोच्च व्यवस्था कह रही है ये मैं नहीं कह रहा देश की सर्वोच्च व्यवस्था कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक सुधीर जी सुधीर जी अगर हम यूपी का भला चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा आज तक नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं सुधीर जी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज नहीं है जहां ऐसा कोई काम हो रहा हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुधीर जी मैंने नहीं कहा आप मेरी बात मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा तो आप चैलेंज करिए उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चैलेंज करते आप समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार 2022 के अंदर बनने वाली है जो मुंगेरी लाल के सपने का आपने हाल बुरा किया है आप मुंगेरी लाल के सपने देखो हर बार आते हैं अच्छी बात है लेकिन ये जनता समझ चुकी है हर बार आते हैं धर्म के नाम पे आकर के और सरकार में आ जाते हैं केवल धर्म पे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए आप इतना झूठ बोलते हैं आप किससे नहीं झूठ बोला धर्म के याद पर किसानों के याद पर किसानों पे गोलियां किसने चलवाई दोनों पर किसानों पे गोली किसने चलवाई एक राम मंदिर पे गोली किसने चलवाई आप राम मंदिर पर राम भक्तों पर गोली किसने किसानों की बात की राम मंदिर के राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई आप किसानों की बताइए मुझे बताओ उन राम भक्तों पे गोलियां कौन चलवा रहा है उन राम महिलाओं पे गोलियां अरे वो हमारी बहन बेटी दर्शन कर रहे थे जो लखनऊ के अंदर प्रदर्शन कर रही थी आंगनबाड़ी वाली गोलियां चलाएं आपको तो आप गोलियां चलाएं मैं कितने आपके इलाके में वो राम भक्तों पर गोलियां चलाएं बेटिया आप पर आप गोलियां चलवा रहे हैं राम भक्तों पर गोली किसने चलाई उनको डंडे पर राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई आप कहते हैं वो अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बात करते हैं वो आंगनबाड़ी वालों पर गोली चलवाते हैं ये कहां का न्याय है आप उन पर गोली चलवा रहे हैं आप आरोप लगा रहे हैं आप गोली चला रहे हैं आरोप लगा रहे हैं अरे आप कम से कम आरोप नहीं लगा रहे उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए आपको साथ खड़े होना चाहिए आपको साथ खड़े होना चाहिए आंगनबाड़ी वाली महिला है बताइए सफाई दीजिए आप आपको आप सफाई दीजिए चलिए जनाब ठीक वो महिलाओं ठीक है आप दोनों ने अपने तर्क रख दिए महिलाएं आतंकवादी थी संजीव चौधरी जी अनिल गोयल जी हो गया वक्त समाप्त हुआ है बहुत-बहुत शुक्रिया मैं सीधे आपका शुक्रिया कर रहा हूं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सरकारों का किसी से बैर नहीं होना चाहिए ये सब मानते हैं और हमें भी शर्म आती है जब हम ये आंकड़े बताते हैं कि 2016 में प्रदेश में 4689 हत्याएं हुई और योगी सरकार में घटकर 3294 हुई। साहब आंकड़े तो है ना अभी भी सवाल तो अभी भी बना हुआ है अपराधियों की खैर नहीं ये बार बार कहा जाता है लगाम लगाने की कोशिश हो रही हो तो विपक्षियों को भी एक साथ आना चाहिए। चुनावी मुद्दा तो हमेशा बनता रहेगा कानून व्यवस्था लेकिन अगर आंकड़े कम हो रहे हैं अपराध पर लगाम लग रही है तो दिक्कत कहाँ है बगलगीर बनने में। फेस टू फेस में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे ऑनलाइन टीवी खबर के लिए।